हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर पार्टनरशिप कराने वाला हूं और अब मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कंप्लीट करता रहूंगा। कंटिन्यू कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको मैंने पार्ट सेकंड अभी किया नहीं है, तो जल्दी मैं पूरा करा दूंगा। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग पार्टनरशिप का एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए चलते हैं, आज हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दो दोस्त पी और क्यू एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तथा वे 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 माह बाद आर क्यू की पूंजी के बराबर राशि निवेश कर उसमें शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% होता है जो 98,000 के बराबर है। आर ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाया। हम लोग क्या करते हैं, पहले इन सब की पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं कि इन सब का रेशियो कितना निकलेगा, पूंजी का रेशियो। तो दो दोस्त कौन कौन से हैं, पी और क्यू, ये हमारे दो दोस्त हो गए। फिर वो कितने 5:6 के अनुपात में पूंजी, मतलब ये 5 और ये 6 पूंजी निवेश करता है। फिर 6 माह बाद आर क्यू की पूंजी के बराबर निवेश कर देता है। तो आर जो है वो कितने क्यू की पूंजी के बराबर, क्यू की पूंजी कितनी है 6। तो ये जो हमारा निकला है ये किसका अनुपात है, ये हमारा पूंजी का अनुपात है, 5:6:6। उसके बाद फिर क्या कहा गया है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% होता है जो 98,000 के बराबर है। तो जो हमसे कहा गया है कि जो लाभ है वो कितना 20% है, अगर टोटल लाभ कितना होता है 100, उसका 20% कितना 20, तो जब 20 का लाभ है वो कितना है 98,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 काट लेते और उसके बाद सॉल्व कर लेते, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18, कितना 49,900। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 49,900। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू, क्योंकि हमने टोटल कितना लाभ माना था 100, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 के नीचे 2 0 ये और 2 ये आ जाएंगे, कितने 0 = 4 0, इतना आ गया। उसके बाद फिर हमसे कहा गया है कि उसके बाद कहा गया है आर ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाया। टोटल हमारा लाभ निकल आया कितना, टोटल लाभ हमारा 4,90,000 और उसको कितने अनुपात में बांटना है, 5 6 6, टोटल ये कितना हमारे हिसाब से 17, क्वेश्चन के हिसाब से कितना 4,90,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग इसका डिवाइड करेंगे जब 17 से, तो आ जाएगा 2 × 17 = 36 17 × 36 17 × 34 17 × 51 17 × 85, कितना जाए एक की वैल्यू 288.23। हमें चाहिए कितनी, आर ने कितनी पूंजी लगाई, आर ने कितना रेशियो 6 का मान चाहिए, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 288.23.5 × 6। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब इसका पूरा मतलब 5:1 निकल के आ रहा था, जब इसका हम लोग पूरा मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाता है 17 × 29 = 41.17 और जो हमारे लगभग किसके 4 के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर। एक व्यापार में ए तथा सी क्रमशः 2:1 के अनुपात में निवेश किया। तो ए और सी है उन्होंने कितना 2:1 के अनुपात में निवेश किया तथा ए और बी ने 3:2 के अनुपात में, ए और बी ने कितने अनुपात में 3:2 में। अब आप लोगों को मैंने रेशियो बताया, अगर आप लोगों ने रेशियो पूरा ना देखा हो तो आप लोग पूरा देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत से एक एक चीज बताइए कि कैसे इनका रेशियो ए बी सी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो जहां से खत्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है, हम लोग इसको पलट लेते हैं। कैसे, सी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख लिया, सी का मान कितना 1, ए का मान कितना 2, 1:2। फिर क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी कितना 3:2 के अनुपात में। अब जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा तो कॉमन वाला बीच में रहता है, सी ए बी का रेशियो निकल के आएगा। और आपको बताया जो पहले वाले गुणा है वो इन दोनों के साथ करा दीजिए और लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, 3 × 3 3 × 6 2 × 4, तो जो सी ए बी का रेशियो आ गया वो कितना 3 6 और 4 आ गया। आप इसको सही से भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहा गया यदि वार्षिक लाभ कितना है 15 73 0 है, वार्षिक लाभ इतना है, हमारे हिसाब से वार्षिक कितना है 6 3 9 4 13, हमारे हिसाब से टोटल कितना है 13 है, क्वेश्चन में कितना 15 73 0। सॉल्व करेंगे एक की वैल्यू 13 × 13 = 27 13 × 13 कितना आ गया 12,100, एक की वैल्यू इतनी आ गई। तो पूछा गया तो उसमें से बी का हिस्सा क्या है, हमें किसका चाहिए बी का हिस्सा। अगर एक की वैल्यू 1 = 21 तो 4 की वैल्यू
चार का मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार एकम चार और दो जीरो, कितना आ गया 48400, ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, पार्टनरशिप के हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग होते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं कम से कम क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को आराम से देख सकते हैं। 3 दोस्त ए बी सी 5, 7, 6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। तो 3 दोस्त हैं, कौन कौन? ए, बी और सी। उनका अनुपात कितना है पूंजी का? 5, 7 और 6। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। सी क्या करता है? 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। तो सी क्या करता है? 6 माह बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है और पूरा टोटल वार्षिक का पूछा गया है, तो 6 माह बाद मतलब 6 महीने तक तो 6 रुपए बने रहे, फिर उसके बाद आधी पूंजी जब इसकी वापस ले लेगा तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और वो बाकी के जो 3 बचेंगे वो कितने महीने तक? वो भी 6 महीने तक रहेंगे, जब टोटल व्यापार एक साल तक चला। जब और ये लोग पूरे साल तक बने रहे, इन लोगों में कोई भी छेड़खानी नहीं की, जितना था उतना ही लगाए रखा, हमें वार्षिक बताना है। फिर उसके बाद लोग सॉल्व करते हैं, 12 पंचे 60, 12 सते 84 और कितना, 36 प्लस 6 3 का 18, 8 6 14, 3 1 4 1 5 54 आ गया, 6 से काट देंगे अभी, 6 52 60, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 64 और 6 9 54, हमारा जो रेशियो बना है वो कितना, 10 14 और 9 का। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है कि ए ने 40,000 रुपये निवेश किए, ए ने यहाँ पे कितने किए, 10। तो कोई कोई क्या करता है, जो लड़के जो नहीं जानते हैं, 10 की वैल्यू कितने के, 40,000 के, और 1 की वैल्यू कितने के, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाए, तो 1 की वैल्यू 4,000 के, फिर 4,000 का इसमें मल्टीप्लाई कराएगा, 4,000 का इसमें मल्टीप्लाई, 4,000 का इसमें मल्टीप्लाई, और फिर रेशियो निकालेगा, तो रेशियो कितना निकलेगा, रेशियो तो इतना ही निकलेगा, क्योंकि हमने जिस चीज का मल्टीप्लाई कराया है वो तो सेम है, इसी का मल्टीप्लाई इसमें, इसी का मल्टीप्लाई इसमें, इसी का मल्टीप्लाई इसमें, तो वो तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो हमें इस चीज से कोई मतलब ही नहीं, तो जो हमारा रेशियो आया है वही फाइनल रेशियो रहेगा। फिर टोटल लाभ कितने रुपए का हुआ, 33,000 का, हमारे हिसाब से टोटल लाभ 14 9 23 10 33, हमारे हिसाब से टोटल लाभ 33 का, क्वेश्चन में कितना, 33,000 का, तो एक की वैल्यू 1,000 की, हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा मतलब 9 की वैल्यू, तो 9 का मान कितना आ जाएगा, 9,000। तो आप लोगों को इसका कोई मतलब नहीं है और ना ही ये चीज आप लोग करिएगा, इस चीज का खास ख्याल रखिए, वरना आप लोगों का टाइम बढ़ जाएगा और जिससे दिक्कत होगी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट। फिर आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, शिव कुमार 25,000 रुपए निवेश कर 1996 में एक व्यापार की शुरुआत किया। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा ठीक है क्योंकि इस पर कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया है और कुछ नहीं है। शिव कुमार को हम लोग किससे लिख लेते हैं, हम लोग एस से लिख लेते हैं, तो फिर शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, शिव लिख देते हैं। उसने क्या किया, 25,000 रुपए निवेश किए, कितने रुपए, 25,000 रुपए निवेश कर दिया। फिर वो 1996 किया, 1997 में वो 10,000 और निवेश किया, मतलब ये जो 25,000 रहे वो कितने सालों तक रहे, 1 सालों तक ही रहे, क्योंकि अगले साल क्या हुआ, उसने 10,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 35,000 रुपए हो गए, जब 10,000 और बढ़ा दिए। फिर उसके बाद राकेश भी उसी में 35,000 रुपए शामिल कर लिया, तो राकेश भी 1 साल बाद कितने रुपए, 35,000 रुपए लगा के शामिल हो गया, कितने साल बाद, 1 साल बाद, लेकिन हमें पता नहीं टोटल कितने दिन चलेगा, शामिल हो गया। फिर 1998 में शिव कुमार 10,000 रुपए और निवेश किया, तो ये जो रहा था ये अगले 1 सालों तक रहा होगा। फिर उसके बाद 1998 में, जब 1997 में ये लगाया था तो एक ही साल रहा होगा, 1998 में 10,000 और निवेश कर दिए, मतलब कितने हो गए, 45,000 हो गए, और 10,000 निवेश कर दिए, तो 1998 तक बताना है, तो बताइए 96 97 98, मतलब टोटल व्यापार कितने साल का, 3 साल का, तो 1 साल ये पूंजी रही, 1 साल ये पूंजी रही, तो 1 साल तक आखिरी साल में ये पूंजी रही होगी। फिर पहले साल उसने 25,000 रुपए लगाया था, फिर अगले साल 1997 में उसने 35,000 लगाए थे और राकेश ने भी 35,000 लगाए थे 1997 में, व्यापार चला था 1998 तक, तो राकेश ने कितने सालों तक लगाया, राकेश ने 1997 में लगाया था और 1998 में लगाया था, मतलब राकेश ने कितने, 2 सालों तक लगाया। फिर सुरेश
35,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार में, उसी व्यापार में शामिल हो गया, वो भी कब, 1998 में। तो सुरेश भी शामिल हो गया। सुरेश शामिल हो गया कितने रुपए लगा के, 35,000 रुपए लगा के। और अब ये कितने साल तक रहा, अब बताइए, टोटल व्यापार चला था 1998 तक, 1998 से लास्ट हो गया था, और 1998 में ही इसने 35,000 लगाए थे, तो वो तो एक ही साल तक रहा होगा। अब 12 महीने लिख दे चाहे एक साल लिख दे, बात तो एक ही पड़ेगी। अगर महीने में लिखेंगे तो सारे के सारे जितने महीने होंगे तो सबको महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर साल में लिख रहे हैं तो सारे के सारे साल में लिखना पड़ेगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सबका एक एक मल्टीप्लाई होगा। तो अब बताइए, 25 और 35, 35, 5, 40, 20, 60 हो गया, 60, 45 कितना, 105, और सबके नीचे कितने कितने जीरो, 3 जीरो, 35 दूनी 70,000, इसके नीचे भी कितने जीरो, 3 जीरो, 35 एकम 35 मतलब 35,000। अब आप देख लीजिए, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, और 3 जीरो इसमें, अभी और कट जाएगा, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, और 35 तय 105। तो जो हमारा पूंजी का रेशियो निकला वो कितना निकला, 3:2:1 का। फिर उसके बाद 3 वर्षों में यदि कुल लाभ कितने का हुआ, 1,50,000 का हुआ। यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना हुआ, 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 की वैल्यू 1,50,000, 6 की वैल्यू कितनी, 1,50,000 की। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कितना आ गया, 25,000। हमसे पूछा क्या गया है, तो उसमें से राकेश का हिस्सा क्या होगा, राकेश का हिस्सा मतलब 2 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 25 की, तो 2 की वैल्यू 50,000, हमारा ऑप्शन सेकेंड। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं, बस थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन इस प्रश्नावली में हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। पहले एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है, दूसरे एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। किसी व्यापार की शुरुआत ABC करते हैं, तो ABC ने क्या किया, किसी व्यापार की शुरुआत की। फिर क्या कहा गया, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं। तो अब आप कुछ ऐसी वैल्यू मानिए, या तो आप 6 मान लीजिए, या तो आप 12 मान लीजिए। अगर आप 6 मान रहे हो तो 1/6 बी निवेश करता है, यहाँ 1 लिख दोगे, अब बची 5, और बी और सी क्या कर, ए और सी क्या करते हैं, समान पूंजी, तो आप लोगों को 2.5 करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप 12 मान लीजिए कि टोटल मान कितना है, टोटल पूंजी कितनी है 12। अब बी क्या करता है, इसका 1/6, इसका 1/6 निकालोगे कितना आएगा, 2, तो बी ने कितना लगाया, 2। ए और सी समान पूंजी लगाते हैं, अगर टोटल आपके पास 12 था, बी ने 2 लगा दिया, तो बचा कितना, 10, और ए और सी ने क्या किया, समान पूंजी लगाई, मतलब ए ने 5 लगा दी और सी ने कितनी लगा दी, 5 लगा दी। फिर उसके बाद यदि वार्षिक लाभ कितना हो, 33,600 रुपए हो, तो बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर होगा, हमें सिर्फ इतना ही बताना है। तो अब बताइए, यहाँ पे 5, 2, 7, 5, 12, हमारे हिसाब से टोटल जो रेशियो इन लोगों बना है वो टोटल कितना है, 12 है, और इसमें लाभ कितना दिया है, 33,600 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, 24 और 9, 33, तो हो जाएगा 96, तो 12 8 96, तो एक की वैल्यू 2800। हमसे पूछा गया है बी तथा सी के लाभों में क्या अंतर है, अब बताइए यहाँ बी तथा सी में कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो उतना ही लाभों का अंतर होगा। एक की वैल्यू 28 की, तो 3 की वैल्यू 3 8 24, 3 2 6 2 8, कितना आ जाएगा, 8400, हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 8400 रुपए। तो आप लोग यहाँ पे 12 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, 24 भी मान सकते हैं, आप अपनी सहूलियत से कुछ भी मान सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, तो ए और बी है वो कितने अनुपात में, 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, पर सी क्या करता है, 6 माह बाद बी जितनी पूंजी निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। सी कितने बाद, 6 माह बाद शामिल हुआ है, तो पूरा क्या कहा गया, 1 वर्ष बाद वो तीनों किस अनुपात में होंगे, 1 वर्ष बाद पूछा है, मतलब ये 12 महीने तक रहा, ये भी 12 महीने तक रहा, लेकिन जो सी है वो क्या किया, 6 माह बाद आया है और बी के इतनी पूंजी लगाई है, बी ने कितनी पूंजी लगाई है, 5, बी ने पूंजी लगाई है 5, और 6 माह बाद आया है, तो इसने कितने महीने तक काम किया होगा, 6 महीने तक। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तेई 6, 2 पंचे 10, और 5 एकम 5, तो जो रेशियो बना वो हमारा कितना, 6, 10 और 5, तो ऑप्शन फर्स्ट।
तो हम लोगों का जो रेशियो बन के आएगा 6:10:5 ऑप्शन फर्स्ट। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दे, क्योंकि अब मैच में सर हम ज्यादा कुछ बता नहीं, पार्टनरशिप बचा है, मिश्रण बचा है और उसके बाद जैसे ही आगे आएंगे तो हम लोग उसके एजेस कर लेंगे, एजेस के बाद फिर नंबर सिस्टम, ये 2-3 चैप्टर बचेंगे, हमारी अर्थमेटिक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं पार्ट सेकंड कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद फिर एक साथ पूरा एडवांस, पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद अलजेब्रा, ज्यामिति, सारी की सारे पूरे टॉपिक कंफर्म क्लियर कराऊंगा, चाहे कुछ भी चैप्टर हो तो मैं मैथ्स में सारा एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे के वीडियो हम लोग 6 के आगे में करेंगे, कल मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।